गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है वैंसी एंड आशु ब्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरी इस खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, मतलब 26 तारीख को ही कम्प्लीट हो गया था, 27 तारीख है तो कल ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, जो कि मैंने ये जो 1000 सब्सक्राइबर की जर्नी है ये मेरी 4 महीने में पूरी कंप्लीट हुए हैं। तो मेरी आज 1000 जो फैमिली मेरी जो कि है वो एक साथ हो गई है, सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोचा ना, तो मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया अपना। बहुत टाइम से मैं सोचती थी चैनल बनाऊं कि नहीं बनाऊं और लोग क्या कहेंगे। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताया था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि जब आप कोई प्लानिंग करते हो ना तो उस प्लानिंग में सिर्फ आपको भरोसा होता है और उस प्लानिंग में किसी को भरोसा नहीं होता है। और ये बात सच भी है, कोई दूसरा क्यों भरोसा करेगा। इसीलिए कुछ भी प्लान करो आप अपने दिमाग में प्लान करना चाहिए, दिमाग में अगर प्लान करो उसको फिर एग्जीक्यूट करो, क्योंकि जब वो रिजल्ट सामने आएगा ना तो दुनिया वालों को सबको दिखेगी। तो अभी वैसे भी कुछ आज तक कुछ भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को एकदम सच बता रही हूँ कि मैं अपने लाइफ में ना मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही हूँ। सब कुछ, हर चीज मेरे अगेंस्ट ही गई है, मेरा सारा डिसीजन गलत गया है। तो इसीलिए इस बार जो मैंने डिसीजन लिया ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, किसी के साथ भी मैंने शेयर नहीं किया। और बाकी जो लोग हैं मैं उनको नहीं बताऊंगी, उनको खुद से ही अगर YouTube से पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बस मैंने बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि अभी भी मैं बहुत बड़ी कुछ मुझे सक्सेस मिल गई है, बट ये छोटी सी सक्सेस ना मिली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। एक वक्त ऐसा आया कि आपको हालात मेरे सारे पता ही, एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब करना ही करना है, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। तो मैंने ये सारी बातें जब मैंने सोचना बंद कर दिया ना, तब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और देखिए धीरे 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 आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। अगर मैं उस दिन हार मान लेती कि नहीं मुझे बनाना ही नहीं चैनल, अगर मैं सोचने में ही अपना टाइम सारा बर्बाद कर दी थी, तो देखिए आज मैं यहां तक भी नहीं पहुंच पाती, मुझे सफलता भी नहीं मिलती। तो दोस्तों आज मेरा 1000 का सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, मैं आज इतनी खुश हूं, मतलब जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी कुछ किया सब कुछ गड़बड़ हुआ, खराब हुआ। मेरे सारे डिसीजन जो भी अभी तक मैंने लिए वो मेरे सब अगेंस्ट ही गए। कोई भी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाने का जो मैंने डिसीजन लिया है ये मेरे साथ ही मेरे पक्ष में है। और मैं इस चीज के लिए मैं सिर्फ दोस्तों आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ ना वो सब बहुत कम है। अगर आप लोग मेरा इतना साथ नहीं देते, इतना मुझे सपोर्ट नहीं करते, इतना प्यार नहीं देते, तो मैं शायद आज ये यहाँ नहीं होती। बस दोस्तों आप लोग मुझे इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना साथ देते रहिए और मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी मैं, तो आज मेरे 1000 सब सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, तो उस चीज के लिए आप मैं स्पेशल आज कुछ डिश बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं किचन में, आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊंगी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, इसलिए आज मैं इस खुशी को शेयर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आज कुकीज बनाने जा रही हूँ, आटे का बिस्किट, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो आटे का बिस्किट और फिर या फिर कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आटा, 1 कटोरी आटा, इसको मैंने अच्छे से चाल लिया है। और ये है बेकिंग पाउडर, ये भी यूज़ होगा। और ये है पीसी हुई चीनी, जिसको शुगर पाउडर भी बोलते हैं। और इसमें है घी, देसी घी घर का ही। और ये है पानी, और ये है दूध, और ये है थोड़ा सा मेरे पास ड्राई फ्रूट्स पड़ा हुआ था तो मैंने इसको क्रश कर लिया है, जो कि इसका भी यूज़ होगा। तो ये सारा सामान, और ये है OTG, आज मैं OTG में इसमें ही बनाऊँगी कुकीज़। और ये लिया है मैंने बोल, जिसको मैं इसमें आटा गूंथूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुकीज बनाना।
सबसे पहले जो आटा था उसको बोल में डाल देंगे, फिर उसके बाद मैं लूँगी 2.5 चम्मच चीनी, आप चाहे तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच चीनी लिया है और यहाँ पे लिया है 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, उसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी 1 टीस्पून घी। घी डालने से क्या होगा, जो बिस्किट होगा ना कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, जैसे खस्ता होता है ना, तो उसी तरह से हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे। और घी को भी बहुत अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी आटे और चीनी में। जब घी और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने उसमें डाला है दूध। दूध डालने से क्या होता है, टेस्ट भी तो बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी भी हो जाता है आपका बिस्किट। और दूध, अगर आप दूध, अगर आपको कुकीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना हो तो दूध मत डालिए। मैंने बहुत कम बनाया है जो कि 3-4 दिन ही चलेगा, इसलिए मैंने दूध डाल दिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का अच्छा सा डो बना लिया है, ना बहुत ही सॉफ्ट हो ना बहुत ही हार्ड। उसके बाद आटे का डो बनने के बाद ये जो OTG का प्लेट है इसी में मैंने लगा दिया घी, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, मेरे पास बटर नहीं था इसलिए मैंने घी लगा दिया है। और फिर आटे जो भी डो है उसका अब हम गोल गोल बिस्किट बना के और जो क्रिस्प जो हमने ड्राई फ्रूट्स का चंक्स तैयार किया है उसमें लगा के सारा सेट कर देंगे। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो बहुत ही कम सामान में जो कि बेसिक जो घर पे होता है बस मैंने वही सामान यूज़ किया है, और उसी सामान से आपका बहुत ही अच्छा बिस्किट बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे बिस्किट बना लूँगी। अब मैं कर दूंगी OTG को ऑन, और क्योंकि 10 मिनट पहले हमको इसको प्रीहीट करना होता है तो टेम्परेचर जो है मैं 180 डिग्री पे सेट कर रही हूँ। और जो OTG में आग का होता है ना टेम्परेचर का, प्लेट्स होती हैं तो जो दोनों साइड है जिस पे लाल लाल हुआ है, मतलब दोनों साइड से टेम्परेचर मिलेगा तो हमको वहाँ पे सेट करना है, ना कि जो एक साइड से टेम्परेचर मिले। तो ये कर दिया और टाइम लगा दिया मैंने 15 मिनट का। अब देखिए 15 मिनट अभी हो चुका है, OTG हमारा प्रीहीट हो गया है। अब जो हमने कुकीज़ बनाई थी अब हम उसमें डाल देंगे। तो कुकीज़ को बनने के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम लगता है, तो अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत लगता है कि कच्ची रह गई है तो 5-6 मिनट आप OTG को और चला सकते हैं। तो मैंने कुकीज़ डाल दिया है, अब मैं इसमें जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री ही रहेगा और बस मुझे जो टाइम है वो मैंने इसको 15 मिनट पर फिक्स कर दिया है। अब देखिए, और अभी ना बीच में मैंने चेक किया तो जो बिस्किट थे ना वो थोड़े थोड़े से फूल गए थे बीच में से, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि क्या बताऊँ। अभी देखिए 15 मिनट हो चुका है और मैंने चेक किया बिस्किट को, थोड़ा सा ही सॉफ्ट था, अभी भी दब रहा था, तो मैंने 5 मिनट के लिए फिर से इसको OTG में उतने ही टेम्परेचर पर सेट करके रख दिया है। और 5 मिनट बाद मैंने जब चेक किया तो फिर जो हमारा कुकीज़ था आटे का बिस्किट है वो एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी का करारा बन गया तैयार। देखो मैं दब प्रेस कर रही थी ना, बिल्कुल भी दब नहीं रहा था, इसका मतलब बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, टाइट हो गया है। और इतना टेस्ट देखने में तो पूछिए मत, लुक्स तो इतना ही अच्छा लग रहा था जितना अच्छा देखने में लग रहा था ना, खाने में कहीं उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि ये घर का बना हुआ कुकीज़ होगा, इतना ज़्यादा जैसे बेकरी में मिलता है ना बिल्कुल वैसे ही देखने में लग रहा था, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बस अब मैं यहाँ पे ट्राई करने जा रही हूँ। उससे पहले दोस्तों, ये पहला जो बाइट है ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। तो पहले बाइट आपका, आपके हिस्से का मैं ही खा लेती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों में जो कि सबके घरों में मिल जाती है, बस उन्हीं चीज़ों से मैंने बनाया है, कुछ भी इसमें फैंसी कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपका प्यार आपका सपोर्ट मुझे इतना देने के लिए, आप लोगों का तहे दिल से सच में धन्यवाद। धन्यवाद वर्ड बहुत ही छोटा है, आज मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ बस इसी तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिए।